सो हमारे पास हम आवाज़ के ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं. वी आर प्रिपेयरिंग एंड डूइंग द रिहर्सल्स फॉर मलाड मस्ती एंड द मैराथन. वी हैव ऑल टुगेदर 9 प्रोग्राम्स इन दिस दिसंबर. यस, टेल मी सर, गवर्नमेंट को नोटिस भेजना चाहिए. किसको? गवर्नमेंट को. किस चीज़ के लिए? पॉल्यूशन के लिए. कौन पॉल्यूशन कर रहा है? हम लोग ही. हम लोग कौन? मतलब तुम गाड़ी चलाते हो? तुम ट्रेन चलाते हो? तो फिर तुम कैसे पॉल्यूशन कर रहे हो? तुमने सर, हम आवाज़ कैडेट आदित्य में पॉल्यूशन के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ. ठीक है, आपने कहा कि उनको नोटिस भेजना चाहिए गवर्नमेंट को. जी सर. किन को नोटिस भेजना चाहिए? गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को किसको? हमें गवर्नमेंट को भेजना चाहिए या गवर्नमेंट को हमें भेजना चाहिए? हमें गवर्नमेंट को. गाड़ी कौन खरीदने देता? गाड़ी कौन बनाने की परमिशन देता? गवर्नमेंट या तुम और हम? गवर्नमेंट. ट्रेन कौन बनाता है? गवर्नमेंट. सड़कें कौन बनाता है? बिल्डिंग बनाने की परमिशन कौन देता है? और जो आपने देखा होगा हमारी झोपड़पट्टियों में, गलियों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी रहती हैं, क्या उनके पास कोई परमिशन होती है? नो. तो पोल्यूशन लाखों तरीके से हमारे देश में फैलाया जा रहा है. आपको थोड़ा सा ना विचार करना है, थोड़ा गूगल पर जाकर पढ़ो, पोल्यूशन क्यों, कैसे, पोल्यूशन से कैसे छुटकारा मिले, ये सारी चीज़ें पढ़ो. जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि स्कूल गए, ट्यूशन गए और खेल लिए और पागलों की तरह से चिल्ला लिए. जो खेलते हो उस खेल का कोई उद्देश्य होना चाहिए. आप सारी ज़िंदगी क्रिकेट गली में खेलते रहो, उसका कुछ मिलने नहीं वाला है तुम्हें. अभी यहाँ अगर जोश आया, चलो फुटबॉल खेल लेते हैं. दूसरी चीज़ मैंने पूछी थी, ड्रग्स कौन बताएगा उसके बारे में, बोलो. मेरा नाम नेहा वर्मा है, मैं हमास की कैडेट हूँ. मैं ड्रग्स के बारे में बताना चाहती हूँ. यस. मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा करके ड्रग्स में जा चुके हैं या फिर जो उनके माता पिता भी ड्रग्स करते हैं, वही सीखते हैं बच्चे लोग. ड्रग्स में जाते क्यों हैं? माता पिता के अलावा क्या कारण होता है ड्रग्स में जाने का, बोलो. सर, पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर. जब माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ाई करो, हमें 90% चाहिए, तो जो बच्चे होते हैं वो पीयर प्रेशर के कारण ड्रग्स लेते हैं. वेरी गुड. और कुछ आपके दिमाग में? जैसे अगर उनके माता पिता अगर ड्रग्स नहीं करते, अगर उनका बच्चा ड्रग्स करता है, तो उनके पहले तो बच्चे को मोस्टली माता पिता ड्रग नहीं करते, वो तंबाकू खाते हैं और सिगरेट या बीड़ी पीते हैं. उस वो भी है तो ड्रग्स का ही हिस्सा, लेकिन ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग जो लाइसेंस नहीं है. सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू तो बाजार में बिकता है ना. ड्रग्स बेचने की सरकार ने परमिशन नहीं दी. तो जो बेच रहा है हमें पहले उनको पकड़ना चाहिए. लेकिन जो बेच रहा है उसके पास आई कहाँ से? सर, अगर हम उसकी जानकारी निकालेंगे तो हमें उनकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी चाहिए. ये काम गवर्नमेंट का ही है, बट वो नहीं कर रहे. हमें वो काम हम उनको अगर करके दे दें अभी, तो वो फिर आगे एक्शन ले सकते हैं. और अगर वो गली में बेच रहे हैं तो उनके पास कहाँ से आई? तो तुम दे रहा है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम जो अभी ये सजेशन दे रहे हो, जो सलाह दे रहे हो, इसमें तुम क्या कर सकते हो? सर, मैं अगर मेरे आसपास कहीं कुछ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है आसपास या कहीं भी हो रहा है, तुम्हें मालूम है कि ड्रग्स हैं तो ड्रग्स बिकती हैं, ड्रग्स आती हैं तो ड्रग्स बिकती हैं, ड्रग्स बिकती हैं तो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं. तो उसमें तुमने अब तक क्या किया वो तो छोड़ो, तुम्हें आगे अभी क्या, एज ए हम आवाज़ कैडेट, तुमने क्या करने का सोचा है? सर, अगर मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊंगा तो वो बड़े हमें मार सकते हैं. कौन मार सकते हैं? ड्रग वाले? जो ड्रग्स वाले, क्योंकि सर वो पहले से एक तो नशे में होते हैं, तो वो वहाँ तो जाना ही नहीं है आपको. हमें वहाँ जाना ही नहीं है. सबसे पहले अगर मेरे पास कोई फोन है, कोई डिवाइस है, तो मैं उससे उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ. मैं मुंबई के नार्कोटिक डिपार्टमेंट में उनको दे सकता हूँ. वहाँ से मैं उनको अपनी लोकेशन बता सकता हूँ, तो उन लोग कौन है, उनकी पहचान बता सकता हूँ, उनकी पहचान मैं ढूंढ के निकल सकता. तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कहाँ आपको, जब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आप देखते हैं ड्रग्स वाले बहुत लोग होते हैं, सिर्फ तंबाकू वाले नहीं, ड्रग्स वाले होते हैं. तो उसके लिए मैंने हमेशा आपको क्या कहा, आप मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम दे दो, नंबर भी मत दो, क्योंकि नंबर आपके पास अगर हैं तो दे दो, नहीं है तो मत दो. फिर नारकोटिक्स में जब आप जाओगे तो पहली बात आपको पुलिस स्टेशन में घुसने देते हैं? नो सर. नो सर. क्योंकि उनको क्या बोलते हैं वो, जाओ किसी बड़े को लेकर आओ. लेकिन अगर आपके पास, मैंने पहले भी पुलिस वालों से कहा था 15 अगस्त को, कि अगर इन छोटे स्टूडेंट्स या छोटे हिंदुस्तानियों के पास, ये भी सिटीजन्स हैं, इनके पास भी आधार कार्ड है, अगर इनके पास कोई जानकारी है तो आप इनको मौका क्यों नहीं देते? तो आपको मेल करना है, कोई लेटर नहीं लिखना. नारकोटिक्स का नंबर मिलता है वहाँ पर, साहब इस जगह मैंने ये देखा. और उसमें एक और चीज़ लिखनी है, सर मेरा नाम और फ़ोन या नंबर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी जान को ख़तरा हो सकता है. मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कैडेट हूँ, हम आवाज़ का हूँ, हम आवाज़ ये है, ऐसा लिखकर आप करेंगे. तो और कोई ड्रग के बारे में?
और कोई ड्रग कैसे छुड़वा सकेंगे आप? ड्रग आए ना, इसके लिए क्या करोगे? सर ड्रग्स कैसे छुड़वा सकेंगे जिससे, और उनका अगर बच्चा ड्रग्स करता है तो उनके माता पिता की सलाह लेंगे कि मतलब अपने बच्चे को ज्यादा करके समय दे और उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को सख्त होना पड़ेगा क्योंकि ड्रग्स मिल रहा है तो इंडिया में तो बन नहीं रहा है क्योंकि वो आता बाहर से ही। तो जो हमारे ही कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं, हमें पहले उनको ढूंढना पड़ता है क्योंकि बाहर से आएगा तो वो पहले चेक होता है, लेकिन वो चेकअप में भी उन लोग देखते ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही मिले हैं। ये क्या है, ऑफिशियली नहीं आता है, अनऑफिशियली आता है, इसलिए चेक नहीं होता, और होता तो पैसा खाकर छोड़ दिया जाता, और फिर हर दो कुछ महीने, साल में दो, एक साल में, छः महीने में, तीन महीने में बड़े बड़े ड्रग के पकड़ लेते हैं कि ये हमने एक ट्रक पकड़ लिया इतने लाख का, इतने करोड़ का, लेकिन से अमाउंट हाँ दिखाने के लिए। तो और कोई बोलो, और एनीबॉडी एल्स बोलो। सर अगर आपका कोई फ्रेंड अगर ड्रग्स लेता है तो उसकी संगत में ना आए। कैसे ना आए, उसकी फ्रेंडशिप छोड़ दोगे या उसके बारे में? मैं उसकी फ्रेंडशिप छोड़ दिया वो तो करता रहेगा ड्रग्स, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही, लेकिन अगर मैं एज अ कैडेट तो मैं फ्रेंडशिप नहीं छोड़ूंगा, उल्टा उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें लगता है कि जो ड्रग एडिक्ट है वो समझने से मानता है? तुम्हारे पास क्या था आनंद, क्या बोल रहे थे? और सर मैं कह रहा था कि उसके संगत में ना आए और अगर उससे फ्रेंडशिप ना तोड़े। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? कचरा जो खुला रहता है उसके बारे में आपके पास कोई सजेशन है? मूर्तियों के पास, आप लोग मूर्तियाँ हैं, कचरा हमें हमेशा या फिर सूखा या फिर गीले में डालना चाहिए, या फिर कचरा रिसाइकलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर आप कोई वेजिटेबल्स काट रहे हो तो आप अगर किसी पेड़ के इधर डाल देते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो सॉइल को भी, फिर पेड़ को भी अच्छा होगा। लेकिन जो लोग खुले में कचरा डालते हैं जो सड़ जाता है, गल जाता है, जिससे हवा दूषित हो जाती है, जिससे प्रदूषण होता है, जिससे बीमारियाँ होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? ये तो आपने बता दिया कि डालो, आपने उसके बारे में क्या सोचा कि जो आपके मोहल्ले में गली में? हाँ सर, गवर्नमेंट को मतलब मेल करना चाहिए कि यहाँ पे डब्बे ज्यादा रखा करो कि वो पब्लिक ज्यादा है तो कचरे नीचे फेंक देते हैं, एक कचरे का डब्बा होता है। तुम्हारे पास अच्छा तुमने कहा था, बताओ आगे। और हमें अगर हमारे आसपास कोई फेंक रहा है तो हमें उसे बोलना चाहिए कि आप जो डस्टबिन है उसमें ही डाला कीजिए। क्या आपको लगता है कि एक बार बोलने से वो मान जाएंगे? नहीं, उसके लिए हमें या फिर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कचरा गवर्नमेंट फैलाती है क्या? नो सर, बट मतलब उनके एक्शन, मतलब कुछ एक्शन तो ले सकते? नहीं नहीं, वो ठीक है, इसने बोला कि हमें ज्यादा डब्बे लगवाने चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हाँ, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको एक जो हम आवाज की टीम है वो मिल करके, हम चार लड़कियां ये काम करेंगे, स्कूल जाते हैं उससे 10 मिनट पहले इस डब्बे के पास खड़े होंगे, जो भी खुला कर, मैंने एक दिन करवाया था आप लोगों से, ठीक है, तो उसके पास खड़े होकर हम बोलेंगे कि प्लीज आप अंदर डालिए, प्लीज प्लीज बार बार बोलेंगे। हाँ बोलो सर। जैसे आम आदमी लोग हैं, कोई भी कचरा कहीं भी फेंकता है, अगर फेंकते हुए देखते भी है हम उसे कुछ बोलते ही नहीं है, अगर हम उसे उस समय अगर रोके, हम एक बार अगर उसको रोक दिया ना, दोबारा अगर वो फेंकने जाएगा उसे खुद शर्म आएगी कि अगर नहीं, अगर कोई देख लिया तो वो मुझे रोकेगा, तो अगर उस बंदे को हम उस जगह टोक दें। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये शुरुआत घर से होनी चाहिए? जब घर वाले आपको चॉकलेट देते हैं, आपको कुछ भी खाने के लिए चीज़ देते हैं जो बाहर, उसको मैंने ऐसे फेंकते हुए मैंने खुद रोका है, मैं हाथ पकड़ लेता हूं लोगों का। हम लोग मॉरिशस में एक शो करने गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के, मॉरिशस एक देश है, तो वहाँ पर हमारे साथ एक दो हीरोइनें भी थी, उनमें से एक हीरोइन ने चॉकलेट खाया अपने बैग में से निकाल कर, और एक आदत के हिसाब से ऐसे फेंकने लगे, अचानक एक हाथ आया और उसने हाथ पकड़ लिया, उनको बोला कि मैडम एवरी 15 स्टेप देर इज़ अ डस्टबिन, तो जब तक आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देता आप अपने बैग में रखिए, अपने हाथ में रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन यहाँ हमारा देश गंदा मत कीजिए। तो कितने शर्म की बात है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है, और हम हिंदुस्तानी नहीं, हमारे जैसे कितने ही ऐसे देश हैं जिनकी आदत है जो इस तरह के घटिया और गंदे का। आपने घर में हम थूकते हैं क्या? आप सड़कों में देख लो, गलियों में देख लो, बिल्डिंग की दीवारों में देख लो, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर देख लो, लिफ्ट के बाहर देख लो, जहाँ जहाँ ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में देख लो, थूक के इतने बड़े बड़े लाल लाल निशान डिज़ाइन मिलेंगे आपको, मुफ्त में पेंटिंग कर देते हैं लाल कलर की, कौन करते हैं वो? जो सूखा गीला खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो पान खाते हैं, वो लोग करते हैं। तो घर में भी आपके अगर कोई तंबाकू खा रहा है या गुटखा सूखा गीला खा रहा है तो उसको बोलो कि या तो आप छोड़ो या हमें भी खिलाओ, छोड़ देंगे। सिंपल टेक्निक मैंने अभी परसों के उसमें एक उसमें भेजी है, धर्म संस्कार वाले उसमें, खबरदार वाले में, ठीक है।
जय हिंद। जय हिंद। हमने जो सीखा है, सोचा है, जो आपने बताया है, हम उसे करेंगे और जरूर करेंगे और पूरी निष्ठा से करेंगे। जो बोले सो निहाल।